कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्णा राजपूत और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो कोई ब्लॉग से रिलेटेड नहीं होने वाला है, आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आज अपने वीडियो में आपको स्ट्रॉबेरी लगाना बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी के बीज से हम पौधा तैयार कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैं भी पहली बार लगा रही हूँ ये, लेकिन मैं जिस मेथड से लगा रही हूँ ये मैंने यूट्यूब पर पहले सर्च कर लिया और बहुत सारे वीडियोस को देख के फिर बाद में आपको ये लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे लगाया जाता है। तो जो बीज है मैंने घर पर तैयार किया था, हमने ये जो हमारी स्ट्रॉबेरी पहले लगी थी उसी से हमने बीज निकाल के तैयार किया था, वो भी हमने वीडियो से देख के तैयार किया था कि किस प्रकार से बीज तैयार करना चाहिए स्ट्रॉबेरी से। तो चलिए देखते हैं हमारा बीज जमेगा या नहीं, ये तो फिर बाद का प्रोसेस है, पहले हम बीज लगाना देखते हैं कि किस प्रकार से बीज लगाया जाता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अग्नि बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी अपने बीज को उगाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये है, ये देखिए ये है कोकोपीट, इसको हम नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं, तो ये चाहिए हमें। और दूसरी चीज़ है हमारा बर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को मिला के हम इसमें बीज बोएंगे तो बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होगा। तो चलिए और बताती हूँ और क्या चाहिए। तो दोस्तों हमें जो इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ चाहिए वो है ये कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जो कि ये फंगीसाइड है। इसको जब हम अपने बर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स करेंगे इसमें साथ में, तो हमारे बीज में कोई भी फंगस नहीं लगेगा और हमारे बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। और तीसरी चीज़ के अलावा हमें चौथी चीज़ चाहिए वो है हमारे स्ट्रॉबेरी के बीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे, अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे स्ट्रॉबेरी के बीज नहीं जमने वाले। तो देखिए ये है स्ट्रॉबेरी के बीज, ये आपके किसी भी लोकल मार्केट में मिल सकते हैं आसानी से, लेकिन ये मैंने खुद घर पे तैयार किए हैं और जो मेरी पहले स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी उसी से हमने ये तैयार किए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे लगाना है। हम सबसे पहले अपना खाद तैयार करेंगे हम। तो दोस्तों ये है कोकोपीट, ये सूखा हुआ है तो हम इसमें पानी डाल देंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा अपना। इसमें बर्मी कंपोस्ट भी मिला दिया है, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और हम जो फंगीसाइड यूज़ कर रहे हैं वो हम थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों हमने ये सब मिक्स कर लिया है अच्छे से, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार की ट्रे की जिसमें हम की पौधे तैयार करेंगे। तो हम इसमें अपना जो खाद बनाया हुआ है उसको इसमें हम अच्छे से भर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने ये अच्छे से भर दी है, अब हम इसमें बीज लगाएंगे अपना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें होल करने होंगे, हम इसमें उंगली की सहायता से भी कर सकते हैं या किसी लकड़ी या किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा इसमें होल कर देना है। तो हमने सारे होल कर दिए हैं इसमें और अब बारी है इसमें बीज लगाने की, तो हम सावधानी से इसमें बीज लगाएंगे। तो दोस्तों हमने सारे बीज डाल दिए हैं, किसी में एक डना किसी में दो डने, एक एक तो नहीं डन पाया। तो चलिए हम इसको अब बंद कर देते हैं, इसमें हम थोड़ा सा कोकोपीट लेंगे, कोकोपीट के साथ में जो हमने खाद तैयार किया है उसको लेंगे और इसमें अच्छे से भर देंगे अच्छे से। तो दोस्तों हमारी ये देखिए क्रेट तैयार हो गई है एक नक्के। तो चलिए हम इसी प्रकार से और भी जो बीज हमारा बचा हुआ है ये भी लगा लेते हैं जल्दी से। तो मिलते हैं आपसे बीज लगाने के बाद।
तो दोस्तों हमारे स्ट्रॉबेरी के बीज लग चुके हैं, तो चलिए इनको एक सेफ जगह पे रख देते हैं जहाँ इनको नुकसान ना हो। अभी हम इनको इनमें पानी नहीं देंगे क्योंकि ये जो कोकोपीट था भाई ऑलरेडी गीला था, तो इसमें भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी पानी देने की ज़रूरत पड़े, सूखने लगे ये पेड़, तो आप इसमें हजारी की सहायता से पानी दे सकते हैं, आप किसी भी फव्वारे की सहायता से पानी दे सकते हैं। आप इसमें डायरेक्ट पानी ना छोड़ें अभी, वरना ये नुकसान हो सकता है इससे। और दोस्तों हमें 10 से 15 दिन कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसका बीज बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत टाइम में जमेगा। तो ये कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन, इससे ज़्यादा दिन भी ले सकता है। तो हमें कोई टेंशन नहीं करनी है कि ये जम नहीं रहा, ये ख़राब बीज था। तो हम 10 से 15 दिन इसका वेट करेंगे, इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये बीज थे वो जमे या नहीं जमे। तो चलिए हम इनको रख देते हैं और उसके बाद अपना वीडियो ख़त्म करते हैं।